नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप अपने स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट FDDI। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि आज की राजनीति में स्किल डेवलपमेंट की बहुत बातें हो रही हैं। बातों से हम इसके पक्ष विपक्ष पहलुओं पर देखते हैं, सुनते हैं, शायद समझते भी हैं, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि इस मुद्दे को तस्वीरों के ज़रिए भी देखना समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो लोग जो इसका हिस्सा नहीं हैं वो ये जान समझ सकें कि स्किल डेवलपमेंट के बारे में जब कहा जा रहा है तो वो है क्या, कहीं ये शोशेबाजी तो नहीं है, या इसमें क्या संभावनाएं हैं, या आप भी जो आपको लगता है कि आपके अंदर किसी प्रकार का कौशल नहीं है, इस तरह के प्रयासों से आप कुछ हासिल कर सकते हैं जिससे आप बाज़ार में नौकरियाँ हासिल कर सकें। हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रयास तो बहुत पहले से हुए थे, लेकिन अब उसे एक बड़े स्केल पर करने की बात कही जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी के लिए सक्षम हो सकें, योग्य हो सकें। इसीलिए हमने नोएडा के सेक्टर 24 में जो FDDI है, ये भारत सरकार की बनाई हुई संस्था है, 1986 में बनी थी, यहाँ आए हैं देखने के लिए कि जो जूते की टेक्नोलॉजी है उसमें छात्र क्या क्या सीख रहे हैं, उसके तमाम पहलुओं के बारे में क्या सीख रहे हैं, और एक स्किल सीखने के बाद उस सेक्टर को आप कितना बड़ा कर सकते हैं, ताकि आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी रोज़गार की बहुत सारी संभावनाएं पैदा हो जाएं। तो इसलिए हम आज इस एक घंटे में आपको इस विषय से संबंधित और प्रयास करेंगे कि जब भी मौका मिलेगा, जैसे मोबाइल बनाने की बात है या मोटर पार्ट्स बनाने की बात है, ये अलग अलग कौशल हैं, अब इनका किसी जाति समुदाय से कोई संबंध नहीं रहा, इनको हासिल किया जा सकता है। राजनीतिक बहसों से निकल कर थोड़ा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि हम देखें कि और क्या कर सकते हैं, क्या नहीं हुआ है, और हम क्या सुझाव आपको दे सकते हैं। तो हमारे साथ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, नमस्कार राजीव जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये अचानक 1986 में बना, अवतरित तो नहीं हुआ होगा, ये ऐसे कितने इंस्टीट्यूट हैं हिंदुस्तान भर में, और कितने इसके स्टूडेंट्स की क्या क्षमता है इसकी? ये जो फुटवेयर डिज़ाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, हाँ, वो 1986 में बना था, हाँ, और पहले इसका एक ही संस्थान था, हाँ, बाकी और चार पाँच सालों के अंदर, हाँ, FDDI ने 8 संस्थान देश में अभी हो चुके हैं। अच्छा, चेन्नई में है, कलकत्ता के अंदर है, हाँ, इसकी पान इंडिया प्रेजेंस है, हाँ, और जयपुर में भी आप बता रहे थे, जोधपुर के अंदर भी, जोधपुर के अंदर भी है, रोहतक के अंदर भी है, पटना के अंदर है, हाँ, और चार नए और संस्थान बन रहे हैं, हाँ, इस तरह के FDDI के चार संस्थान बन रहे हैं, एक पटना के अंदर बन रहा है, एक चंडीगढ़ के पास में बना रहे हैं हम लोग, और एक हैदराबाद के अंदर, और एक गुजरात अलंकेश्वर में बना रहे हैं। अच्छा, ओ, ये जो संस्थान है ये देश का फुटवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर, रिटेल के अंदर और लेदर गुड्स के अंदर, हाई एंड डिजाइनर्स के लिए, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए, ये इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का नंबर वन का संस्थान है। चाहे आप यहाँ की फैकल्टी की बात कर लीजिए, चाहे यहाँ टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, जो यहाँ पर कोर्स करिकुलम है और जो ट्रेनिंग का हम पढ़ा बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे कैंपस जो FDDI के हैं फुली वाईफाई है और एयर कंडीशन है, और टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ल्ड में हो सकता है, हाँ, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर FDDI के अंदर, मतलब हम कर सकते हैं। अगर आप इस एक संस्थान के अनुभव को लें तो अपने लेबर फोर्स की और मैनेजरियल फोर्स की क्वालिटी को हम बढ़ा सकते हैं ट्रेनिंग देके, हम बढ़ा सकते हैं और हम बढ़ा रहे हैं, हाँ, जो लोग पहले अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, जो यूरोप से या अमेरिका से ट्रेनिंग लेते थे, हाँ, हाँ, आज की डेट में वो प्रेफर करते हैं कि, हाँ, सेम रेट पर, हाँ, वो FDDI से ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम लोग अफ्रीका के अंदर कंसल्टेंसी दे रहे हैं, बांग्लादेश में दे रहे हैं, बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज में हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं, साउथ अफ्रीका से भी हमने एक MOU साइन किया है। इससे पहले कि हम क्लासरूम में जाएं, मैं एक तारीफ कर देता हूं। आलोचना की चीज़ें तो मैं अब इस एक घंटे में नहीं पता कर सकता कि क्या क्या कमियाँ हैं, कि मैं इस आपसे मिलने से पहले इस इंस्टीट्यूट में जहाँ जहाँ गया, हिंदी को आपने ठीक ठीक जगह दी है, और बहुत सारे स्लोगन, चूँकि पहले भी आया हूँ एक बार यहाँ पे, तो आपने अच्छा लिखा है, और ये स्लोगन हिंदी का पसंद आया कि वो व्यक्ति जो एक विद्यालय खोलता है एक कारावास बंद करता है। तो अगर ये हमारे न्यूज़ चैनल के लिए भी, कि अगर हम कोई काम की बात करें तो कम से कम एक बकवास का मुद्दा तो बंद ही कर देंगे। तो फिर हम चलते हैं ये देखने के लिए कि स्किल डेवलपमेंट के संदर्भ में जूता बनाने का जो मामला है वो कितना सामाजिक है, कितना व्यापारिक है, कितना उससे एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता उससे जुड़ी हुई है। पहले अफ्रीका के अंदर जितनी कंसल्टेंसी होती थी फुटवेयर के बारे में, हाँ, वो PFI जर्मनी है वो देती थी। आज आपको बड़ा सरप्राइज होगा, अच्छा, मतलब वो लोग कहते हैं, यूरोप वाले कहते हैं, जर्मनी वाले कहते हैं, हाँ,
कि दुनिया में इससे अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है। अच्छा ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अफ्रीका के अंदर जो कंसल्टेंसी पहले अफ्रीकन कंट्रीज में जर्मनी इटली दिया करता था, आज उसी रेट पर जैसे $6,000 चार्ज करते थे उसी रेट पर आज FDDI कर रहा है वहाँ पर, और दे आर मोर कम्फर्टेबल कि जो ट्रेनिंग हो वहाँ के अफ्रीका के अंदर जो कंसल्टेंसी मिले वो FDDI से मिले। दुनिया के जो बड़े ब्रांड हैं उनको पता है कि नोएडा के सेक्टर 24 में FDI है, फुटवेयर और रिटेल के अंदर सारे लोग यहाँ से टैलेंट लेके जा रहे हैं आज की डेट में। वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं वो तो इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, कहते हैं इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आज यूरोप में किसी इंस्टीट्यूट वो भी सरकार का बनाया हुआ है, मतलब सरकार का बनाया हुआ है प्राइवेट का नहीं बनाया हुआ है, बिल्कुल सरकार का बनाया हुआ। कई बार ये समझना बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए, कई बार हमें लगता है कि सरकार में रहते हुए कुछ नहीं हो सकता। नहीं, सरकार आप विश्व स्तरीय नहीं बना सकता, ज्यादा सेक्टर के लिए बहुत कीन है। जो ये फुटवेयर और लेदर सेक्टर है उसमें एक एम्प्लॉयमेंट की बहुत अच्छी ग्रोथ है हो सकती है, और दूसरा इसकी वजह से यार इन्वेस्टमेंट बहुत आ सकता है। ठीक है, अभी जो फुटवेयर सेक्टर है भी आपकी पढ़ाई का हिस्सा है। पढ़ाई का हिस्सा बच्चे बनाते हैं, आप देखेंगे जो बच्चा भी आया हुआ है शायद ये नाइजीरिया से आया हुआ है, आप देख सकते हैं नाइजीरिया बाहर के लोग जो अफ्रीकन कंट्री या यूरोपियन कंट्री के बच्चे हैं वो FDDI में बेच रहे हैं। ये हमारे दिल्ली शहर में भी अनुमति मिलनी चाहिए लोगों को कि थोड़ा ग्राफिटी करें, अच्छा लगता है। एक स्क्वायर मीटर में कितने ज्यादा जूते बना सकते हैं तभी आपकी कॉस्ट कम या ज्यादा हो सकती कम से कम लेदर में कम से कम लेदर में ज्यादा से ज्यादा शूज कैसे बना सकते हैं और वेस्टेज कितना कम हो पाएगा। ये बच्चे फर्स्ट स्टेज के अंदर यहाँ सीखते हैं कि इसको कैसे काटा जाए, पहले ये पेपर पर सीखते हैं फिर बाद में लेदर पर कटिंग होती है उनकी। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं आप लोग या सर MBA? MBA है। यस सर, MBA फर्स्ट ईयर। इसका मैनेजमेंट साइड आप सीख रही हैं या फिर जूता कैसे बनाया जाता है वो बना सकते हैं? सर दोनों सीख रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट साइड इसका ये है कि अगर हमें ये पता होगा तो हम आगे की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं, एंड इट्स द मैनेजमेंट जो कॉस्टिंग के हिसाब से लेदर ऑर्डर करता है। कभी यहाँ आने से पहले आपने किसी को जूता बनाते हुए देखा था? सब मोची को ही देखा था, कभी पता नहीं था कि ऐसा भी कोर्स होता है। अच्छा, और उस वजह से हम लोग ये कोर्स करने आए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अच्छा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप आ गए कि अच्छा आप बनाना सीख सकते हैं। इंटरेस्ट भी था, इंटरेस्ट भी थोड़ा फैशन की वजह से आया होगा। फिर जब आपने घर में कहा कि हम ये पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं तो फिर उनका क्या रिएक्शन था? सर पेरेंट्स का यही रिएक्शन था कि जूते में क्या पढ़ना होता है। तो आप बताइए कि जूते में क्या पढ़ना होता है? सर यहाँ पे आने के बाद ही पता चला कि बहुत कुछ होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजाइनिंग से लेके जब तक जूता बन जाता है तब तो तक एक अपने आप में कई किताब है, एक जूते को बनाने के पीछे कई किताबें होंगी, है ना? और कोई और बात थी कि जूते में क्या पढ़ना होता है या सर जूते यहाँ पे आके पता चला हम क्यों बनाए, हमारे बच्चे क्यों बनाए, ये शायद ये अच्छा काम नहीं है, ये भी था कुछ? सर अच्छा काम की बात नहीं थी, एक बात ये भी थी कि तुम आगे जाके डिग्री तो मोची की मिलेगी, यानी सब मोची जानते हैं, तुम जितना भी बड़ा नाम दे दो वही होता है। आज की डेट में जितने भी फैशन इंस्टीट्यूट है अगर आप FDDI का देखें तो जो उसका 100% प्लेसमेंट है और जो प्लेसमेंट इनिशियल जो पैकेज भी मिल रहा है शायद वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज से करके निकलते हैं तो बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आपको 7-8-10 हज़ार रुपए की आपको नौकरी मिल रही है, पर यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको 30-40-50 हज़ार तक की इनिशियल पैकेज मिलता है, और जब 4-5 साल का उनका जॉब हो जाता है तो दैट उनके जो सैलरी पैकेज है बहुत हाई हो जाता है, वो इतना हाई हो जाता है कई बार FDDI उसको अफोर्ड नहीं कर पाता हमने यहाँ पर फैकल्टी लेने। आपने अपना नाम नहीं बताया। ज़ेबा। तो मैं ये फिर ये जानना चाहता हूँ इस काम को सीखने में आपको कितना आनंद है, जब आप फाइनली कुछ सीख गई होंगी, मुझे नहीं मालूम आपने कितना सीखा है एक जूता बनाने में, ठीक है, क्या आपको वैसे कुछ क्रिएटिव फीलिंग हुई या आपको लगा कि जो माँ बाप कह रहे हैं वही बात सही है? नहीं सर, बहुत ज़्यादा, और जब मैं जूते बना के उनको गिफ्ट करती हूँ तो वो और भी ज़्यादा खुश होते हैं कि हाँ मेरी बच्ची कुछ सीख रही है, और जो उसने फील्ड सेलेक्ट की है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है। अच्छा, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा सीख। जब आप ये सीख गई और फिर जब आपने किसी को जूता बनाते हुए सड़क पर देखा मोची को, फिर आपने उससे कैसे कनेक्ट किया? सर वो लोग जो काम करते हैं वो सिर्फ सिलाई का होता है, और वो लोग अपनी क्रिएटिविटी जूते बना देते हैं भाई। बनाते हैं सर, बनाते हैं, पर उनकी वो क्रिएटिविटी नहीं होती, वो बस पैसे के लिए बना रहे हैं। तो अब जब आप अपना दिल लगा के वो चीज़ सेम चीज़ बनाओगे तो उसमें और मोची जो बनाता है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। आपको लगता है कि ये थोड़ा इसमें आर्ट है? यस सर, है ना? ठीक है, आपका नाम? वर्षा। मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि सामाजिक रूप से जब इस काम में आप आई
तो पहले जो आप सोचती थी अब जो सोचती हैं उसमें क्या बदलाव है? काफ़ी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पहले था कि जूता आराम से बन जाता है, हम सोचते थे बहुत इजी मेथड है, बट जब यहाँ पे देखा कि काफ़ी स्किल्स लगानी पड़ती है, क्रिएटिविटी काफ़ी चाहिए और इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं सब कुछ, तो उसके बाद पता चला कि हाँ जूता बनाने में कुछ है, पर इतना ये इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है, है ना? तो आपके घर में भी लोगों ने? हाँ, मेरे को भी मोची बोला जाता है, अभी भी मुझे मोची बोला जाता है। तो अच्छा है, मोची बोलने में, मोची नाम के ब्रांड भी है मेरे ख्याल से कोई है। हाँ, मोची नाम का ब्रांड है। हाँ, अच्छा है। मतलब वो किस संदर्भ में बोलते हैं फिर? मैं थोड़ा उसी संदर्भ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि उसमें और इसमें क्या चेंज आया फिर आपके अपने देखने के नजरिए। कि जैसे मैंने पापा को अपने जूते बना के गिफ्ट किए तो वो बहुत खुश थे कि हाँ कुछ तो किया है, कि हाँ मैं मोची ऐसी बोल रहा था बट अब तो ये पूरी अच्छी वाली मोची गिरी शुरू। पहले उनको ये लग रहा था कि ये शायद नहीं बना, नहीं अब नहीं बना पाएगी ऐसे, कि इतना इजी नहीं होता है। तो उसके बाद मैंने गिफ्ट किया तो हाँ बड़े खुश हुए कि हाँ उसने कुछ किया है। कि हम कितने साल लग गए आपको ये सीखने में, जूता बनाकर गिफ्ट करने? दो सेमेस्टर, मीन्स वन ईयर। एक साल लग गया पूरा, स्टार्टिंग से डिजाइनिंग, कटिंग और लास्टिंग क्लोजिंग सब। इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है कि जूता बनाने के काम को हमारे समाज में एक ख़ास ढांचे से देखा गया है, लेकिन ठीक है, आप लोग वो समझते हुए भी उसे तोड़ ही रहे हैं एक तरह से, तो वो एक सामाजिक बदलाव भी हो रहा है। अभी NCAER ने एक रिसर्च किया था कि 42,000 सैंपल से, कि अभी भी छुआछूत वगैरह हम, हाँ, इस तरह के छुआ है। पालन, छुआछूत का हम पालन करते हैं और भेदभाव बरतते हैं कई घरों में, तो वहाँ पे ये बात आई है, वो एक सच्चाई है, जाति की सच्चाई है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इसको अब आप कोई सीख सकता है। और ये भी एक बदलाव है कि जो जाति से जुड़े हुए पेशे थे उसमें अब लोग बदल गए हैं, उसमें हर तरह का लोग काम कर रहा है, तो वो बैरियर जो था वो टूट गया है, तो ये अच्छा है। आपको लगता है कि जो हिंदुस्तान के समाज में जो काम की अपनी अपनी एक पहचान है, जैसे मैं बिहार से आता हूँ तो लोग कहते हैं कि ISC सबसे बड़ा होता है, या फिर कोई अब CEO हो गया है या IIT इंजीनियर है, इस काम को जगह मिली है, उसको अभी पहचान मिलनी बाकी है? सर, जैसे आपका इंस्टीट्यूट दुनिया भर में जाना जाता है ना, आपके डायरेक्टर ने कहा कि पूरी दुनिया में इसकी साख है, हर बड़े ब्रांड में यहाँ के लोग हैं, तो क्या वैसी पहचान सोसाइटी में है क्या? सर, फर्स्टली मैं एक चीज़ करना चाहूँगा इस बात में कि इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर द फुटवेयर, और उसके बाद भी अभी ये माना जाता है कि पहले से लोग इस काम में हैं तो वही अभी तक चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। अच्छा। नहीं है ऐसा, क्योंकि इतने सारे ब्रांड्स इंडिया में हैं अभी, हाइकी है, एडिडास है, ऐसा IPL में सोनीपत में है जहाँ पे हमारा हाइकी का मैन्युफैक्चरिंग होती है, ऐसे काफ़ी बिग ब्रांड्स हैं जो इंडिया में है। तो और इतने ब्रांड्स आने के बाद भी हमारा मतलब अभी भी लोगों की सोच थोड़ी ऐसी है कि नहीं पता, मतलब मैंने बेसिकली इंजीनियरिंग कर रखी है, उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और मतलब मेरे को थोड़ा भेड़ चाल से बाहर निकलना था, तो तभी मैं इस कोर्स में आया हूँ, और अभी मतलब मैं प्लेस भी हो चुका हूँ। अच्छा। चाइना में मेरे को मिली है जॉब। स्किल डेवलपमेंट क्या है, मतलब एक ये एक सिर्फ वाक्य नहीं है, मतलब इसका फोटो अगर देखना हो, समझना हो, तो कई चीज़ों को हमें देखना जानना पड़ेगा, और इसीलिए हमने FDI का चुनाव किया है कि यहाँ आकर इस संस्था के जरिए हम देखें कि कैसे अलग अलग समाज से जिन्होंने कभी ये कौशल हासिल नहीं किया था, हमारे आपके जैसे लोग जो एक ड्राइंग तक नहीं बना सकते हैं, एक दिन जूता बनाने लगते हैं वो ट्रेनिंग के बाद, और शायद एक साल दो साल की ट्रेनिंग के बाद। पिछले 5-7 सालों में बहुत तेजी से चेंज हुआ है। अच्छा। क्लास और कम्युनिटी दोनों में बहुत तेजी से चेंज हुआ है। आज जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं, सभी बच्चे तो सारे अच्छे होते हैं, जो DPS से मॉडर्न से पढ़ने वाले हैं, उनकी चॉइस होगी, लोग इंजीनियरिंग करके आए हैं वो FDI के अंदर आना चाहते हैं। उसकी कई वजह हैं कि एक तो जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा हो जाता है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छा है। जब ये FDI शुरू हुई, FDI 1986 के साल में, ठीक है, उस वक्त जो स्टूडेंट आ रहे थे उनका सामाजिक प्रोफाइल क्या था? और आप अब तो काफी बदल गया, लेकिन फिर मैं उस यात्रा को जरा सा समझना चाहता हूँ कि कैसे शुरू में जो बहुत जो हायर सोसाइटी से बच्चे थे वो शुरू में नहीं आ रहे थे। इसको ट्रेडिशनली माना जाता था कि फैमिली ओन बिजनेस है और एक पर्टिकुलर कुछ तरह के लोग कम्युनिटी के लोग ही वो यहाँ पर पसंद करते थे।
मगर पिछले 10 सालों में ऐसा हुआ है कि बहुत मेजर बूम आया सेक्टर के अंदर, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, एफडीआई के अंदर 100% प्लेसमेंट है। और कोई ऐसा पेरेंट्स आपके पास आया देगा कि मैं बहुत परेशान हूँ ये पढ़ाई पढ़ने के बाद, मेरे बेटे को ऐसा या बेटी को सोशल स्टेटस मिलेगा कि नहीं? नहीं, इस आपको जानकर बड़ा सरप्राइज होगा, जो बच्चा यहाँ से एक बार पास कर जाता है, मैंने बताया 100% प्लेसमेंट है, और उसको कम से कम 3 से 5 नौकरी का ऑफर रहता है हमेशा। और जब प्लेसमेंट इतना हाई है कि आप फिर भी, लेकिन जब शुरू में जब आता है तो उसके दिमाग में ये बात रहती है? नहीं, कभी कभी 5-10% बच्चे की पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि समझना चाहते हैं कि भाई किस तरह का कोर्स है यहाँ पर। जैसे जूते, आप सही कहते हैं कि ट्रेडिशनल जूतों का ये माना जाता है कि भाई जूते बनाने में ऐसे क्या महारत है, पर जब एक सारी आप भी देखेंगे, जब पूरा वो देखता है कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या पढ़ाया जाता है, किस तरह का कोर्स होता है और इंडस्ट्री में किस तरह की उसकी डिमांड है, कि 70% जो ट्रेनिंग होती है वो हाईटेक मशीनरी पर होती है, जो कि सारी मशीनें कंप्यूटर के थ्रू चलती है, ठीक है, और 30% जो हम ट्रेनिंग देते हैं दैट इज थ्रू द कंप्यूटर। क्या ये मशीनें आज के बाजार की जरूरत के हिसाब से बहुत पुरानी हैं? नहीं, ये जो लेटेस्ट मशीन जो कंप्यूटर जो एक्सपोर्टर अपने यहाँ कंपनी में यूज करते हैं वही मशीनें हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, कि जिससे कि यहाँ जो बच्चे पढ़ के यहाँ से जब जाएं तो उनको सेम एनवायरनमेंट मिले। कल को अगर उनके यहाँ मशीनें बदल जाएंगी तो आप भी बदल दें? हम भी ट्राई करते हैं कि मशीनें उसको बदल दी जाए, अपग्रेडेशन करते रहते हैं, ये हमारा एक मेजर चैलेंज रहता है। आप देखेंगे ये डूलॉक जर्मन की मशीन है, ये जर्मन की मशीन है, ये पीछे आप मशीन देख रहे हैं, ये सब जर्मन मशीन है। अच्छा, ये आयदर जर्मनी में, इटली में, ताइवान में बनी हुई है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है। अच्छा, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और ये सब आता है, ये आपके सारे एफडीआई एफडीडीआई में सेम, हाँ, ये सेम लगा हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट करना है, ठीक है, अब वो बात फोटो में समझ में नहीं आती, बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है कि वो स्किल डेवलपमेंट है क्या। मतलब आप ये बता रहे हैं कि दो हिस्सा है, एक ये हिस्सा है जो मैनेजरियल लेवल के जो लोग हैं उसको आप तैयार कर रहे हैं, हाई टेक प्रोडक्शन, एक हिस्सा है जो उसका वर्क फोर्स जो उसकी वो तैयार करते हैं, वो कहाँ, वो भी यहीं तैयार करते हैं, उसका क्या है? जो शॉप फ्लोर वर्कर पर जो हम लोग 2 लाख लोगों को अभी हमने ट्रेनिंग किया है, उसको हमने इंडस्ट्री में जॉब दिया है, उसके लिए हमने 55 ऑपरेटिंग ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं। उसका हमारा मेन मोटो रहता है कि हम उसको जहाँ पर गांव है, विलेज है, टाउन है, वहीं खोलते हैं, जिससे कि गांव में अपने सेंटर खोला हुआ है, मतलब उसके आसपास, जैसे गांव में, विलेज में, जैसे कानपुर देहात के अंदर है, लखनऊ के अंदर है, आगरा के अंदर है, वहां पर हमने उनके जो टाउन, छोटे टाउन है वहां पर हमने सेंटर खोले हुए हैं। वहां भी इसी तरह की मशीनें हैं, इसी तरह की मशीनें होती है। अच्छा। उनको एक्चुअल में हाथ से कैसे काम करना होता है वो सिखाया जाता है, कि कैसे आपको काटना है, कैसे स्टिचिंग करना है, और आपको वो लगातार चलता रहता है, वो लगातार चल रहा है। और पिछले 1 जून 2014 से अभी पिछले कुछ 6 महीने से हमने अपने कैपेसिटी को ऑलमोस्ट डबल किया है यहाँ पर। जो आपने इसे 50 से ज्यादा सेंटर गाँव में तरफ खोले हैं, हाँ, तो वहाँ कैसे विद्यार्थी पहुँचते हैं? वहाँ पर हमने ऐसा हमने किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, हाँ, ग्राम पंचायत है, हाँ, सरपंच है, हाँ, उनसे टाई अप किया हमने, सरपंच से आपने सरपंच से टाई अप किया कि हमने जितने भी आपके गाँव में अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनकी आप लिस्ट बना दीजिए, और हमें एक एड निकालते हैं न्यूज पेपर के अंदर कि भाई हम एक पर्टिकुलर कानपुर देहात के अंदर, सपोज कीजिए हमें एक सेंटर के अंदर, हमें इन ये सेंटर चला रहे हैं अभी यहाँ पर, ऐड के वजह में जितने लोग आते हैं हम सब लोगों को ट्रेन करते हैं। जब गांव के आसपास ये सारे लोग ट्रेन हो जाते हैं तब सारी मशीनों को उठाकर दूसरे गांव में ले जाते हैं। अच्छा, और अब वो ट्रेनिंग आप कितने दिनों में देते हैं? वो हम 2 महीने, हमारे वो 6 वीक की ट्रेनिंग होती है, 6 वीक की ट्रेनिंग, पहले 4 वीक अपने सेंटर में देते हैं। फ्री में देते हैं या पैसे उसका चार्ज करते हैं? जो वहाँ पर ना भारत सरकार की स्कीम है प्लेसमेंट लिंक स्कीम, उस स्कीम में देते हैं, और जो वहाँ पर जो लोग सीखते हैं हम उनसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं, और उसके अलावा उनको हम रिफ्रेशमेंट, खाने का, एक आइडिया आ रहा है कि इसे आदर्श ग्राम योजना में जोड़ देना चाहिए। हाँ, जोड़ देना चाहिए, मतलब कि आप वहाँ पे सेंटर ले जाएं और वहाँ के 20 या 25 लोगों को इस तरह के काम में उसको उनको दक्ष कर दें, है ना, जिससे उनको नौकरी, मतलब आप ट्रेनिंग दे दिए हो गया, इनको तो नौकरी मिल जाती होगी, शायद उनको नहीं मिलती होगी। नहीं नहीं, उनको भी, उनको नौकरी मिलती है। अच्छा। उसमें सरकार की जो स्कीम है उसमें आपको पैसा तभी मिलता है, 15,000 रुपये पर ट्रेनिंग मिलता है जब आपकी किसी के कंपनी में नौकरी लग जाती है, उससे पहले आपको पैसा भी नहीं मिल सकता। जब आप पैसा मिल नौकरी ट्रेनिंग के बाद में किसी कंपनी में नौकरी लगने के बाद में हमें प्रूफ देना पड़ता है, सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ये काम कर रहा है, सपोज कि लिबर्टी में या सुपर हाउस में काम कर रहा है, तभी सरकार में 15,000 रुपये पर ट्रेनिंग के हिसाब से देती है। अच्छा, सरकार ही देती है? सरकार देती है 15,000 ट्रेनिंग देने के लिए। ट्रेनिंग देने के लिए। और ऐसा करके आपने अभी तक कितने दिनों में कितने लोगों को ट्रेन किया? हमने शुरू में तो हम लोग थोड़ा कम कर रहे थे, मगर 1 जून से हम लोग है ना आज की डेट में 12 से 15,000 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं पर मंथ, जो कि अप्रोक्सीमेटली साल में
1.2 lakhs टू 1.5 lakhs हो जाएगा। पहले भी आपने 2 लाख लोगों को नहीं सब मिलाकर अब तक 2 लाख लोगों ने ट्रेन किया। 1986 से लेके अब तक नहीं 86 लेके हमने प्रोग्राम शुरू किया पिछले 3 सालों में। 3 साल में जो हमने 2 लाख लोगों को अलग अलग गाँव में जाके सेंटर बनाते हैं उससे आपने 2 लाख लोगों को ट्रेन किया और उनको नौकरी मिल जाती है। उनको सबको नौकरी मिल जाती है। नौकरी करना चाहते हैं कानपुर देहात या आगरा, ये सब तो लेदर सेंटर है या कलकत्ता, तो ये लोग वही नौकरी करना चाहते हैं या दुनिया के मार्केट में भी ये लोग जाते हैं? ये दुनिया के मैं बड़ा आपको बड़ा सरप्राइज होगा, हमने एक एक्सक्लूसिव एक प्रोग्राम चलाया था लेडीज के लिए कि जिनको ट्रेनिंग देने के बाद में उनको आगरा के अंदर कि उनको ट्रेनिंग आगरा में देने के बाद में आगरा की फैक्ट्री में लगाएंगे। पर जब उनको 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिला बहादुरगढ़ की फैक्ट्रियों से तो पूरी 100 का बैच था जो लेडीज का था वो सबके सब माइग्रेट कर गई बहादुरगढ़ के अंदर। औरतें चली आई। ये जो लेबर फोर्स आप जो ट्रेन कर रहे हैं ये इनका इंटरनेशनल डिमांड भी है, अंतर्राष्ट्रीय मांग भी है या फिर हिंदुस्तान में ही ये लोग खप जा रहे हैं? अभी तो पूरे वर्ल्ड में बहुत डिमांड है, यूरोप में और अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहाँ तक फुटवेयर का सेक्टर है वो काफ़ी कम हो गया है और जो नया सेक्टर उभर कर आ रहा है फुटवेयर के अंदर वो एक इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप जूता बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे तो वो गाँवों से जो लोग आ रहे थे तो क्या वो एक कम्युनिटी के लोग थे नीचे के स्तर पर या उसमें भी चेंज आया है? नहीं उसमें भी बहुत मेजर चेंज आया है। अभी उसका हमारे पास में डेटा है जो हमने 2 लाख लोगों के लिए किया है उसमें से अप्रोक्सीमेटली 45% लोग SC ST कम्युनिटी से हैं, ठीक है, और 23% जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं और मोर देन 30% जो है वो जनरल कम्युनिटी से अपर कास्ट है, OBC वगैरह सब मिलाकर 30% है। और ओवर द पीरियड डेटा बहुत तेजी से चेंज भी हो रहा है। अब जितने भी अपर क्लास के लोग हैं वो भी आ रहे हैं सेक्टर के अंदर, दो वजह से आ रहे हैं। एक तो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, पे स्केल बहुत अच्छा है, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट भी कंट्री के अंदर आ रहा है, पहले एक पर्टिकुलर टाइप वही लोग फैमिली ओन बिजनेस के अंदर यहाँ पर कर रहे थे, आजकल डिफरेंट मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज आ रही है, आपको टाटा भी आ रहा है, बिरला भी आ रहा है, रिलायंस भी आ रहा है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं क्योंकि इस सेक्टर के अंदर वो जबरदस्त प्रॉफिट देख रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से सामाजिक बदलाव भी इससे पता चल रहा है, सामाजिक बदलाव हुआ सेक्टर को लेके, जो चमड़े का कारोबार जाति का नहीं रहा और वो सभी समाज के लोगों को मौका दे रहा है। तीसरी बात है कि गांव देहात के लोग बिना सोशल साइंस की किताब पढ़े है ना बाजार के द्वारा पेश किए गए इस अवसर का फायदा उठा रहे हैं, बिना जात पात के बारे में सोचे हुए। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो हाई एंड ट्रेनिंग करते हैं 2 साल या 4 साल का जो कोर्स करते हैं बच्चे, उनकी सैलरी और जो वर्क फोर्स है मजदूरों की सैलरी में क्या अंतर है, मतलब उनको कितने का की नौकरी मिलती है, कोई अगर जानना चाहे इस कार्यक्रम को देखते हुए? जहाँ तक मेरा पर्सनल नॉलेज है आज की रेट में जो FDTI के स्टूडेंट को जो सैलरी मिल रही है, जो प्लेसमेंट मिल रही है वो किसी और किसी डिजाइन इंस्टीट्यूट के बच्चों को नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, ये सबसे ज्यादा। एक हमारा MP के अंदर एक इंस्टीट्यूट है ऑलमोस्ट, वहाँ पर 3 बच्चे जो गांव के बच्चे थे 4 साल का कोर्स करने के बाद में उनको 55,000 का सैलरी पैकेज मिला, क्योंकि पूरे के पूरे MP के अंदर उसकी स्टोरी बन गई कि 55,000 का पैकेज एक उसको बच्चों को मिली, हाँ 3 बच्चों को मिला। एक बात और मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि अगर ये स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो एक तो है कि नौकरी के लिए आ गए इस क्षेत्र में आ गए, और एक होता है कि आप मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और आपको 1 साल का इस तरह का किसी स्किल में डेवलपमेंट करना है, कौशल लेना है, तो वो कैसे लेंगे? वो भले यहाँ नहीं हो लेकिन उसके बारे में क्या सोचा जा सकता है? तो ऐसे रैंडमली मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई सरकार आपसे कह दे कि ऐसी कोई व्यवस्था हो तो क्या सुझाव होगा तुरंत, मतलब ऐसे? जैसे कि हमारा MBA का जो कोर्स होता है 2 साल का कोर्स होता है वो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, जो बच्चा हिस्ट्री पढ़ के आया है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आया है, और आपको सरप्राइज होगा बहुत से बच्चे जो इंजीनियरिंग करके आते हैं वो FDTI के अंदर आते हैं। अच्छा। क्योंकि ये स्किल का तो प्रोग्राम है पर ये बड़ा हाई स्किल का प्रोग्राम है, हाई स्किल का, बहुत हाई स्किल का प्रोग्राम। आप देखेंगे 70% जिन मशीनों को देख रहे होंगे 70% बड़े हाईटेक मशीन हैं जिनको आपको काम करना पड़ता है, उसमें से आधी मशीन ऐसी जो कि कंप्यूटर के थ्रू काम करती है, इसके लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, और जो 30% थ्योरेटिकल जो नॉलेज आप लोगों को हमें जो यहाँ पर देते हैं वो थ्रू कंप्यूटर मिलते हैं। अच्छा। सारे बच्चे लैपटॉप पर ही काम करते हैं, मतलब कई बार लगता है ना कि हम सरकारी इंस्टीट्यूट में आए हैं तो कोई 50 साल पुराना मशीन पुरानी मशीन होगी, एक बार खरीद लिया गया तो खरीद लिया गया, 86 के बाद से ऐसा नहीं। देखिए अगर हमें वर्ल्ड के अंदर अपनी टॉप पोजिशन बनाकर रखना है तो हमें अपनी फैकल्टी को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, मशीन को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड करेगा। ये आप यहाँ पर क्या बना रही हैं?
सर ये स्काइविंग मशीन है, इसकी थिकनेस को रिड्यूस करने के लिए हम इस मशीन का यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये इसकी 50% थिकनेस ख़त्म हो जाती है, जिससे कि जब ये इंसोल पे लगता है तो ये एक प्लेन सरफेस हो जाता है। अच्छा, तो इसकी इसलिए इसकी थिकनेस हम कम करते हैं। इसकी भी पढ़ाई होती होगी, किताबें होंगी कि सोल कैसे, ये सर इसके लिए कम, पहली बार जूते में किसने सोल डाला होगा, कहाँ से शुरू हुआ, ये सभी पढ़ाया जाता है? नहीं सर, इसमें कितने टाइप्स के मटेरियल होते हैं सोल के लिए, और ये इंसोल के लिए वैसे यूज होता है जो दोनों के बीच में अपर और मेड इन इटली है ये सर। हाँ, ये ट्रेनिंग मटेरियल भी बाहर से आता है, कुछ बाहर से आता है कुछ इंडिया में ही बन रहा है।